इसकी जो मेरी बड़ी सिस्टर है मुझसे जो रही है। देख सकते हैं हम ना, ये गंदा पड़ी थी तो मैंने कहा चलो इनको साफ कर लेती हूँ, और फिर आटा जाके श्वेबना इनका आधा गंदा बना आटा बना के लिया। वो असल में फातिमा ना आज संडे है, छुट्टी है, तो उसने कहा चलो धूप निकली हुई है, मैंने कहा तुम ना थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धो लो। कपड़े तो मैंने सारे धो लिए हैं, हवा ज्यादा नहीं चली हुई ना इसलिए, तो ये हमने 16 प्लेट से चलाई हुई है। तो अभी ना बेटियां कपड़े सी ले कर रही हैं, तो शादी की तैयारियां भी शुरू हैं, तो आगे भी हम आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ ही रहना है। माशाल्लाह से अभी मैंने अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से अभी मैं देखो बर्तन धो रही हूँ। अम्मी ने कहा है कि आपको ये बर्तन धो लो, क्योंकि आज से आपको तो पता है ना शादी है ना, शादी के मेहमान आएंगे आएंगे जाएंगे, तो इसलिए घर में सफाई तो होनी चाहिए ना। तो अम्मी ने दाने साफ कर दिया है, और दूसरी जो मेरी बहन है जिसकी शादी है, वो तो आप लोगों को पता है, वो तो आप लोगों को पता है कि वो तो अंदर ही बैठी रहेगी, बाहर तो वो निकलती भी नहीं है, तो इसलिए दूसरी मेरी बहन जो उससे छोटी है वो भी काम पे लग गई है, सारे काम पे काम, कहीं उधर जा रहा है, कोई मशीन पे कपड़े सी रहा है, कोई थान धो रहा है, कोई दाने सुत रहे, क्योंकि शादी जो ऊपर से आने वाली है, और मेरा गला भी खराब हो गया है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। तो ये देखो माशाल्लाह से मैंने थान धोए, तो मम्मी ने मेरे कपड़े भी धो लिए, तो आगे आपकी वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, तो स्किप नहीं करना। आगे मैं अपने कपड़े भी दिखाऊंगी जो बस अम्मी और हमने अपनी शेव के तो सिलाने गए हैं, वो तो चबाई का, और हमारे जो है और अम्मी के जो मेरी दूसरी बहन के वो हमको दिखाएंगे आगे। तो अभी सिस्टर के शादी वाले के नहीं लिए, हमें दुल्हन के अभी नहीं लिए, तो अपने अपने लिए मैं अपने को अपना कलर को भी दिखाऊँ, ऐसा के कलर को भी कौन सा कलर है मेरा, बहुत माशाल्लाह प्यारा है। वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे शेयर करेंगे। तो नलका भी माशाल्लाह से हमने लगवा लिया, तो गाइस पहले हमारा वहां पे नलका था, आप लोगों को हमने दिखाया भी था, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के आप लोगों ने कहा आप लोगों से समझे कि वही पुराने को बनवाया। अब मैं चला भी दिखाती हूँ माशाल्लाह, पानी भी बहुत आया, बहुत आता माशाल्लाह, टूट पड़ना है, देख लो देखो देखो पानी कैसे साफ है इसका पानी। अभी देखे हम अंदर आ गए हैं, तो सारा देखे ऐसे सामान सारा बिखरा हुआ है, क्योंकि शादियों की शॉपिंग की तैयारियों में अभी लगे हुए हैं, तो आप लोगों को ये पेटी नई नजर आ रही होगी, इसको ना मैंने ऐसे कपड़ों से ना ढांक के रखा हुआ है ताकि ये खराब ना हो जाए। पहले मैंने शापर डाला हुआ है और ऊपर से ये कपड़े मैंने डाल के रखे हुए हैं। बच्चे होते हैं ना अंदर, तो आपको पता है ना बच्चे फिर सारा दिन अंदर कमरे में रहते हैं ना, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ये खराब हो जाएगी, इसको ढाक कर रख देते हैं। ये पहले सबसे ली थी ना इस वजह से, वो रजाइयां बनाने के लिए, फिर मैं रजाइयां कहाँ रखती, इस वजह से हमने इसमें रजाइयां रखी हुई है। तो अभी जो आगे जिन जिन्होंने शॉपिंग की है तो वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि कौन कौन सी शॉपिंग की है, कौन कौन सी रह गई है। अभी अभी काफी सारी शॉपिंग रह गई है, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो खरीदेंगे तो आप लोगों से भी जरूर शेयर करेंगे। और अभी जो जिनकी शॉपिंग हो गई है ना, तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ।
जो हमने कल ली है। अभी तो हमने फिलहाल मैं अपना खुद सूट सिखाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फातिमा कहती है मैंने अपना खुद दिखाऊंगी। अभी ना बाहर जाके दिखाते हैं, इधर ना अंदर अंधेरा आ जाओ। माशाल्लाह से बिल्ली भी आई हुई है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना सूट दिखाती हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करना। अभी मैं ओपन करती हूँ सूट को। मैंने अभी कितने लिए? माशाल्लाह भी जरूर पहन लेना है। माशाल्लाह अभी तो फातिमा ने सिर्फ एक सूट लिया है। माशाल्लाह गाइस ये देखिए, इसके अंदर सलवार भी है और दुपट्टा भी इसके अंदर है। आप लोगों को दिखा दूं कि शायद आप लोग कहेंगे कि ये ऐसी लेके आ गई। देखते हैं ये देखो, ये सलवार है इसकी और इसके साथ दुपट्टा नहीं होता। ये ना ये बहुत हैंसी सा वो सूट है ना, ये देखो ऐसे उठा के जो चलेंगे। माशाल्लाह इसके क्रेप है, इसको नेट कहते हैं ये। तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है मेरा फ्रॉक कैसा लग रहा है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, और जो आगे हम दुल्हन का अभी तक लिया नहीं है, दुल्हन को पसंद भी कुछ नहीं आया, तो इसलिए जो आप सिस्टर की और अम्मी के लिए वो आपको लोगों के आगे चल के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह दुल्हन का हम आगे चल के अगली वीडियो में दिखाएंगे, जो लिए हुए है ना ये अभी दिखाते हैं। ये देखे इसकी बाह देखे माशाल्लाह से कैसे है ये। अभी खुद दुल्हन का लिया भी नहीं, अगर लेते तो हम दिखा भी देते। खुद उसको पसंद भी नहीं है तो नेक्स्ट टाइम पे लेंगे तो आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। तो इसको ना मैं पैक करके रख देती हूँ क्योंकि ये खराब हो जाते हैं, तो अभी इधर रख देती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे मेहंदी का है, अम्मी का इतना खूबसूरत है, अम्मी ने सिला भी लिया है सिस्टर से। तो ये अम्मी ने दो अभी एक और है वो सिलाने गई हुई है, वो किसी और को दिया है ना उधर, तो वो सीखी करने में। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको वो भी दिखा देंगे। तो जब दुल्हन का लेने जाएंगे तो फिर हम अपने जब मेहंदी और वलीमे के लिए लेंगे, वो जब दुल्हन का लेने जाएंगे अपने भी उसी टाइम लेंगे। ये देख लो माशाल्लाह बहुत प्यारा है मैं कभी, इसका जो बच्चा संदूक में है ना, ये कमीज है सलवार है देखो मैचिंग वाला वीआईपी है, हमें काम से ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी आपको ओपन करते हैं जो जिसकी जो मेरी बड़ी सिस्टर है मुझसे बड़ी है, इसकी शादी अब वो नहीं हुई उससे छोटी है, तो उसका आप लोग उसने एक ले लिया है तो वो दिखाते हैं। उसको पसंद आ गया था। जाएंगे मैंने उसको, वो उसको पसंद आ गया था ना। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखो उसने लहंगा लिया बरात के लिए, ये देखो माशाल्लाह ये लहंगा नहीं है ये मैक्सी है। हाँ। इसके ऊपर चोली है इधर फिटिंग करेंगे। हाँ। देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, कमेंट्स में जरूर बताना है कि मेरा अच्छा है या इसका अच्छा है। तो माशाल्लाह इसको भी बोले इसकी चोली भी दिखाना, ये देखो इसकी चोली ऐसे लगाएंगे ऊपर से फिर मैक्सी है उठी हुई है। अब सिस्टर ने चेक की थी लगा के उसे दिखाती कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। जब ऊपर से पूरी मुकम्मल हो जाएगी ना, जैसे इसकी चोली ऊपर से जब इसकी फिटिंग हो जाएगी अम्ब्रेला तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। माशाल्लाह ये देखो कितनी खूबसूरत है, और इसके साथ जो दुपट्टा मैचिंग वाला है, मुझे दुपट्टा ज्यादा पसंद आया। ये देखो वो इसके साथ मैच करता है ना, ये नीचे से मैच करूंगा दुपट्टा। हाँ पहन लो कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। माशाल्लाह देखो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये दुपट्टा है मैचिंग वाला। हाँ, तो अभी इसको पैक करके रखते हैं। तो आपको शेप की बात बता रही थी, शेप के कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक तो ऐसे रंग बता देती हूँ, एक लेजिया और सफेद है एक, क्योंकि उसके सिलाई होने गए हुए हैं तो सिलाई आ जाएंगे तो फिर आपको लोगों को जरूर दिखाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सब शॉपिंग दिखाएंगे इसके साथ इनकी ज्वेलरी और मेरी ज्वेलरी और सारे शूज वगैरह और जो बारात और मेहंदी के सारे कुछ हम दिखा देंगे आप लोगों के। अगली वीडियो का इंतजार रखना है और स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है और शेयर भी कर देनी हमारी वीडियो।
तो अभी इनको मैं पैक करके रखती हूँ, अभी तुम अपना पैक कर लो, सिस्टर का डालो इधर। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। ओके अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़।